शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में पदस्थ एक रिटायर्ड बाबू को 8 साल से एक महिला परेशान कर रही है। शिकायतकर्ता अशोक ने बताया कि उनको बीते 8 साल कुमार से एक महिला परेशान कर रही है। वृक्ष काटना और अवैध अतिक्रमण करना और मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। आज इसकी शिकायत मैंने शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल को की है, जिन्होंने मुझे कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार कोरकू। अच्छा, आप क्या समस्या लेकर एसपी ऑफिस आए हो? मैं जो है रामा और राम पत्नी श्यामलाल और जो है क्या बोलते हैं उसकी लड़कियां हैं ब्रह्मा, उसकी बहू है, और ज्योति उसकी लड़की है, उनसे परेशान हूँ। किस प्रकार की क्या परेशानी है उनसे आ रही है? आए दिन मेरे घर में कहीं तो प्लॉट में गड्ढा करते हैं, कहीं दीवार तोड़ के खंडे निकाल के उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, कहीं पेड़ की शाखाएं काटते हैं ऊपर से। और अब 25 तारीख में एक नया अपराध कर दिया है, वो मेरे बांटोर के पीछे दरवाज़ा बना लिया उसने। अच्छा। और मुझे बलात्कार में फंसाने की धमकी देती रहती है, और ये कहती है कि मेरे से उलझेगा तो मैं तुझे निपटा दूंगी, तू कर्मचारी है, तू फंस जाएगा, नौकरी चली जाएगी। इस तरह से मैं उससे बोलता नहीं, मैं दूर दूर रहता हूँ। किस विभाग में पदस्थ हो आप? मैं माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से रिटायर हो गया। अच्छा। 28 फरवरी 2021। कितने समय से आपको ये महिला आपको परेशान कर रही है? लगभग 8 साल से परेशान कर रही है, और शिवपुरी न्यायालय द्वारा इसके लड़के की सजा भी हो चुकी है 42 दिवस की। वो मेरे पास कोर्ट का आदेश भी है यहाँ पे, तो अभी उसके बाद भी वो मान नहीं रही है। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या आश्वासन आपको दिया? एसपी साहब ने जो बोला है कि मैं आपकी कार्रवाई करता हूँ, मैंने उनको बताया सर मैंने आपके बंगले के सरपंच पकड़वाए, मैं आपसे सहयोग मांगता हूँ। बोले कि बिल्कुल मैं आपकी तत्काल कार्रवाई करता हूँ और जल्दी से जल्दी उस महिला के खिलाफ एक्शन लेता हूँ। चलो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।